स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। इसमें मैं आपको रेलवे से संबंधित नॉलेज अपडेट करता रहता हूं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे एक साथी रोमन रेगन्स पूछ रहे हैं कि क्यूओपी 1 या 2 का टारगेट गिरा होने पर डीजे होल्ड होगा या नहीं। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा, कोई भी रिले, क्यूओपी ही क्या, कोई भी टारगेट वाली रिले अगर ड्रॉप हुई है और उसका टारगेट गिरा हुआ है तो डीजे क्लोज होगा कि नहीं होगा और होल्ड भी होगा कि नहीं होगा। आइए विस्तार से जानते हैं। हमारे एक साथी ने पूछा है कि क्यूओपी 1 या 2 का टारगेट गिरा होने पर भी क्या वीसीबी होल्ड हो सकता है, यानी कि वीसीबी जब ट्रिप हो गया और टारगेट गिरा हुआ ही है तो क्या हम वीसीबी को क्लोज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं और क्लोज भी हो जाता है। लेकिन अगर फिर से अर्थ फॉल्ट का इंडिकेशन वहाँ मिलेगा या क्यूओपी या जो भी रिले है वो इनर्जाइज कंडीशन में ही है, जिसको परमानेंट अर्थ फॉल्ट भी कहते हैं, तो फिर वीसीबी क्लोज नहीं होगा। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है, अर्थ फॉल्ट आता है और थोड़ी देर में फिर वो वापस अगर सर्किट से कट हो गया अर्थ फॉल्ट तो वीसीबी क्लोज हो जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली संभव है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। इसलिए कभी भी इसीलिए सिस्टम बनाया हुआ है कि जब भी चलते चलते वीसीबी ट्रिप हो जाता है तो आपको सबसे पहले रिले टारगेट चेक करना है और रिले टारगेट को चेक करें, अगर कोई टारगेट ड्रॉप है तो उसका ट्रबल शूटिंग करना है, वीसीबी क्लोज नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने बिना देखे वीसीबी क्लोज कर दिया तो और भी खराबी ज़्यादा पैदा होगी या आग लगेगी, जो भी संभावना है वो खराबी होगी। इसलिए कभी भी बिना टारगेट देखे वीसीबी क्लोज नहीं करना है। करोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो खराबी बढ़ जाएगी। अब टारगेट आपने देखा तो उसकी ट्रबल शूटिंग करोगे, सीधी सी बात है। नहीं देखोगे और वीसीबी क्लोज कर दोगे, दोबारा फिर खराबी आई। क्या खराबी आई मालूम ही नहीं पड़ेगा, एक टारगेट तो पहले से गिरा हुआ है। अगर आपने एक बार उसकी खराबी दूर कर दी तो क्या पता बाद में दूसरी खराबी का भी टारगेट गिर सकता है। इसलिए कभी भी जैसे QRS 1 2, QRS QOP QOA, सभी रिले का टारगेट अगर ड्रॉप है तो भी वीसीबी होल्ड होता है। लेकिन मैंने फिर से बोलता हूँ, कभी भी बिना टारगेट को चेक किए या खराबी को चेक किए वीसीबी को तुरंत क्लोज नहीं करना है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है लोगों में, इसके लिए आप ऐसा काम कभी ना करें। और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने टॉपिक वाइज वीडियो जमा के रखे हैं। आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, जो भी बात समझ में नहीं आती है कमेंट कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जितना मुझे नॉलेज आता है वही बता पाऊँगा, नहीं आता है तो नहीं बताऊँगा। जैसे मेंटेनेंस से संबंधित कई लोग क्वेश्चन कर देते हैं, वो मुझे नहीं मालूम है तो मैं नहीं बता पाता हूँ, कोई बात नहीं, जो आता है वो बताएंगे। और पूछनी होगी, अगर आपको कोई ऐसी बात पूछनी है कि आप यहाँ सार्वजनिक रूप से कमेंट नहीं कर सकते, तो आप ईमेल कर सकते हैं, मुझे टाइम मिलेगा जब जवाब दूंगा। कॉल कोई भी व्यक्ति न करें, ध्यान रखना। धन्यवाद। जय श्री राम।